जिसके चलते पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करके बहुत सारे ड्रग पेडलर्स को पकड़कर जेल में बंद किया है। इसी सिलसिले में आज एक ड्रग पेडलर रमीज राजा वल्द अब्दुल कयूम सकने सरपोट को PITS NDPS में PSA लगा दिया गया है। लिहाजा आप किश्तवाड़ के सभी लोगों को इतला दी है, अपने बच्चों को ड्रग करने वाले लोग या बेचने वाले लोगों से दूर रखें, और अगर किसी को भी ड्रग करने वाले दिखाई दे तो पुलिस को आगाह करें। नशा मुक्त भारत अभियान में किश्तवाड़ पुलिस की मदद करें। जैसे आपको पता है कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत यहाँ हमने अग्रेसिवली अगेंस्ट ड्रग पेडलर्स एंड कंज्यूमर्स एंड सप्लायर्स एक प्रोसेस चलाया है। एक्टिवली सारे पार्टिसिपेट कर रहे बेस्ड अपॉन आई मीन दोज एस्पेक्ट्स। हमने कल लेट इवनिंग में दो अशखास को अरेस्ट किया है, अल्ताफ हुसैन और अरबाज शेख। ये दो इंडिविजुअल FIR नंबर 111 पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में NDPS एक्ट के तहत अरेस्ट किया, और इनसे हीरोइन लाइक सब्सटेंस जिसे चिट्टा कहते हैं दैट हैज बीन रिकवर्ड 11.50 के ग्राम्स। और इनका जो सप्लायर अगेन जैसे हमारे प्रीवियस केसेस में है, जो जम्मू से एक जगह बताई जा रही है जिसको हम पहले भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हमारी टीम्स आज भी वही है। सो वी विल अरेस्ट दोज पर्संस आल्सो। तो ये इनका अरेस्ट करके इनके खिलाफ आज हमने कोर्ट में भी पेश किया है। मजीद इसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए यहाँ का एक बदनाम शख्स कहूंगा, वेल नोन ड्रग पेडलर रमीज राजा उर्फ झंडा ऑफ सरकूट किश्तवाड़, जिसके खिलाफ सीरीज ऑफ FIRs लगी है, लास्ट टाइम भी लगी थी। तो उसका वो बिहेवियर और उसकी एक्टिविटीज कंटेन नहीं हो रही थी, उसके चलते हमने पिट NDPS एक्ट के तहत इन कॉमन लैंग्वेज यू कैन से PSA लगाया है और उसको आज जेल में जमा करवाया है। और हमारी तरफ से ये है कि जो भी इंडिविजुअल जो इन एक्टिविटीज से इन्वॉल्वमेंट से नहीं अपने आप को दूर रख पा रहा है और अगेन इन्वॉल्व हो रहा है, उसके खिलाफ हम प्रिवेंटिव लॉज के तहत भी एक्शन करेंगे और उनको जेल भेजेंगे। सो दैट सोसाइटी में एक मैसेज भी जाए, नोबडी इज टू बी टॉलरेटेड, जीरो टॉलरेंस ड्रग्स के लिए या इंटरनेशनल एक्टिविटीज के लिए है। तो ये दो मेजर कार्रवाई है जिसके हम आगे भी इसी तरह सर्विलेंस रखे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज किश्तवाड़ में बहुत ज्यादा ड्रग्स में फर्क पड़ चुका।